नौजवान की कुटमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस दे विच कई लोग नौजवान उल्टा करके डंडियां दे नाल कुट रहे ने, उस दे नाल गाली गलौच कर रहे ने। नौजवान बार बार चिल्ला रहा है, छड़ देने की गुहार लगा रहा है, पर किसी नूं कोई तरस नहीं आ रहा। लोग चोरी का इल्जाम ला के उस दे नाल कुटमार कर रहे ने। लोगों ने पहला उसने दबाव बनाया कि अपना गुनाह कबूल किया जाए, तो जो उसने गल नहीं मनी तो उसकी बेरहमी के नाल कुटमार शुरू कर दी गई और फिर उसके पैर बन्ह के खूह के पानी के विच लटकाया गया ते गुनाह कबूल करने का दबाव बनाया गया। पर नौजवान बार बार गुहार लगा रहा है कि बेगुनाह है। आज पकड़ के लाए मंदिर मलिक, आए मंदिर पे लाते बिटर बारते मारन ला चालू कर दिया तुमने, ठीक से इतना बुंदा टॉर्चर करा सर जो सीआई वाला भी नहीं कर सकता। इंसाफ अमीर के बालक को तो मारे मार दे तो इंसाफ मिल जा, गरीब को मार दो तो इंसाफ नहीं, कोई कानून क्या के लिए बनाया। नौजवान अपनी भैन के घर तो बहादुरगढ़ वापस आ रहा है। रस्ते दे विच टांडा हेरी पिंड दे विच मंदिर दे बाहर लगे वाटर कूलर तो उसने पानी पीता, जिस तो बाद मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग आते ने आते उस मंदिर दे विचों चुक के लै जाते ने, ता चोरी का इल्जाम लगा के उसकी कुटमार करन लगते ने। कुटमार तो बाद मुलजमान ने पुलिस को शिकायत करन ते जानू मारन की धमकी भी दी है, ता डरिया हुआ नौजवान इलाज के लिए हस्पताल भी नहीं गया। बहुत मारा है कि कुएं में उठा दिया और उसके बाद बोला अगर तू यहाँ भी दिख गया तो जी तो मार देंगे। अब पुलिस का काम कार्रवाई की, कुछ भी कर हमारे से बुरा कोई नहीं हुआ। जी हमने पुलिस केस भी कराया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक। वहाँ मेरा साला नहीं तो कोई मेडिकल हुआ है नहीं कुछ। आज भी 50-60 बंदे आए थे लेकिन गाँव से बोलते भाई फैसला कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है, अगर तकलीफ किसी पर लगी है। हुण जदों कुटमार दा वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल होया है तां पुलिस ने मामले दे विच FIR दर्ज कीती है ते मुलजमां दी पछाण कीती जा रही है। सवाल उठता है अजिहे दे विच कि मुलजम नौजवान दी कुटमार क्यों कीती गई, चोरी दा शक सी तां उसनूं पुलिस दे हवाले क्यों नहीं कीता गया, कानून अपने हाथ च क्यों लिया गया। बहादुरगढ़ तों प्रदीप धनखड़, न्यूज 18 पंजाब। नौजवान की कुटमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस दे विच कई लोग नौजवान उल्टा करके डंडियां दे नाल कुट रहे ने, उस दे नाल गाली गलौच कर रहे ने। नौजवान बार बार चिल्ला रहा है, छड़ देने की गुहार लगा रहा है, पर किसी नूं कोई तरस नहीं आ रहा। लोग चोरी का इल्जाम ला के उस दे नाल कुटमार कर रहे ने। लोगों ने पहला उसने दबाव बनाया कि अपना गुनाह कबूल किया जाए, तो जो उसने गल नहीं मनी तो उसकी बेरहमी के नाल कुटमार शुरू कर दी गई और फिर उसके पैर बन्ह के खूह के पानी के विच लटकाया गया ते गुनाह कबूल करने का दबाव बनाया गया। पर नौजवान बार बार गुहार लगा रहा है कि बेगुनाह है। वहां से पकड़ के लाए मंदिर मलिक, आए मंदिर पे लाते बिटर बारते मारन ला चालू कर दिया तुमने, ठीक से इतना बुंदा टॉर्चर करा सर जो सीआई वाला भी नहीं कर सकता। इंसाफ अमीर के बालक को तो मारे मार दे तो इंसाफ मिल जा, गरीब को मार दो तो इंसाफ नहीं, कोई कानून क्या के लिए बनाया। नौजवान अपनी भैन के घर तो बहादुरगढ़ वापस आ रहा है। रस्ते दे विच टांडा हेरी पिंड दे विच मंदिर दे बाहर लगे वाटर कूलर तो उसने पानी पीता, जिस तो बाद मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग आते ने आते उस मंदिर दे विचों चुक के लै जाते ने, ता चोरी का इल्जाम लगा के उसकी कुटमार करन लगते ने। कुटमार तो बाद मुलजमान ने पुलिस को शिकायत करन ते जानू मारन की धमकी भी दी है, ता डरिया हुआ नौजवान इलाज के लिए हस्पताल भी नहीं गया। बहुत मारा है कि कुएं में उठा दिया और उसके बाद बोला अगर तू यहाँ भी दिख गया तो जी तो मार देंगे। अब पुलिस का काम कार्रवाई की, कुछ भी कर हमारे से बुरा कोई नहीं हुआ। जी हमने पुलिस केस भी कराया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक। वहाँ मेरा साला नहीं तो कोई मेडिकल हुआ है नहीं कुछ। आज भी 50-60 बंदे आए थे लेकिन गाँव से बोलते भाई फैसला कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है, अगर तकलीफ किसी पर लगी है। हुण जदों कुटमार दा वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल होया है तां पुलिस ने मामले दे विच FIR दर्ज कीती है ते मुलजमां दी पछाण कीती जा रही है। सवाल उठता है अजिहे दे विच कि मुलजम नौजवान दी कुटमार क्यों कीती गई, चोरी दा शक सी तां उसनूं पुलिस दे हवाले क्यों नहीं कीता गया, कानून अपने हाथ च क्यों लिया गया। बहादुरगढ़ तों प्रदीप धनखड़, न्यूज 18 पंजाब।